Hello everyone, this is Manish Shubham. Before you, I welcome you all in on your own channel Study with Ritesh. चलिए आप सभी इस सेशन में जुड़ चुके हैं और इस सेशन में आप आज जानने वाले हैं कि बिहार बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी कैसे की जाएगी, एग्जाम फॉर्म क्या आएगा, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी इसी सेशन में प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं इस एग्जाम फॉर्म को देने के लिए तो आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से आप हमारी टीम के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगा आप ये जान पाएंगे इस सेशन में। एग्जामिनेशन कब होगी, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या है, नया सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, पासिंग मार्क क्या रहती है, ये पूरी जानकारी आप इस सेशन में प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को। चलिए जो सबसे पहला प्रश्न है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो बिहार बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट रहता है वो लगभग रहता है मंथ ऑफ मई, ठीक है। मई महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड वीक, ठीक है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग यानी विंडो क्लोज कब हो जाता है, इन मंथ ऑफ जून, ओके। इन मंथ ऑफ जून यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल क्लोज, सो यू हैव जस्ट 20 to 25 days, ठीक है, आपको लगभग 25 से 30 दिन का विंडो मिलता है, आप लगभग इसी समय के अंतराल के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ऑफ कोर्स इन 2024। तो फॉर्म की फी की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए ये रहता है 1000 रुपी, ओके। और बात की जाए एससी एसटी और दिव्यांगजन के लिए तो ये रहता है 500, ओके, इट विल बी 500 रुपी। चलिए यहां पे ये सारी चीजें क्लियर हैं। बात की जाए एग्जामिनेशन की डेट की तो इन मंथ ऑफ जुलाई यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका एग्जामिनेशन होता है और एडमिट कार्ड इससे एग्जामिनेशन से ठीक पहले आपका जैसे ही विंडो क्लोज होता है इससे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन इट विल बी ऑफलाइन ऑफ कोर्स, ये जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है ऑफलाइन में, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ओके। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बायलिंगुअल होता है यानी कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम, तो बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियों को लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए मीडियम आप जान चुके हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जान लीजिए, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके पास ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको 300 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो कि फिजिक्स से आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, एक क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। बात की जाए तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 300 × 4 आपके मार्क्स हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 1200 यानी कि आपके 1200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ओके। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 1200, दिस इज द फुल मार्क दैट यू कैन गेट, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ओके। तो बात की जाए कि आपको कितना मार्क्स आना अनिवार्य है जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं निगेटिव मार्किंग की, ठीक है। तो आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है यानी 1/4, तो अगर 4 मार्क्स का अगर एक सही आंसर आप देते हैं तो आप अगर एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको प्राप्त होता है 4 मार्क्स, ठीक है, प्लस 4। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन
गलत करते हैं तो आपका कितना मार्क्स जाता है, इट विल बी माइनस वन। ठीक है, आपका माइनस वन मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो चार गलती पर एक क्वेश्चन का सही मार्क्स चला गया। यानी कि अगर आप चार गलती करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चला जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 300। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 1200। ऑफ कोर्स पासिंग मार्क की बात की जाए तो ये ऑन एवरेज जो कट ऑफ जाता है आप आराम से मान के चलते हैं 60%। तो 60% हो जाता है आपका 720। ठीक है, 720 मार्क्स आप लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर इन सच मैनर कि आप कम से कम 750 प्लस मार्क लाएं कि आप और सेफ फील कर पाए। ठीक है, 750 780 अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप ज्यादा सेफ फील करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय है, जम के तैयारी करिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात हो ही चुकी है, वो होता है 1/4। ठीक है, 1/4 और 0.25। ठीक है, ये आपका निगेटिव मार्क होता है। चलिए अब बात की जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको तैयारी करना है तो इसके लिए मैं सिंपल बात एक समझाना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म आते हैं आपके स्पेसिफिक नहीं आते हैं, यानी इस सब कोर्स के लिए नहीं आते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। जी हाँ, बीसीसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, उसी में से एक आपका कोर्स है बीएससी नर्सिंग, तो आपको वहां पे इसके लिए ऑप्ट करना होता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, अब बात की जाएगी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी रहती है कि आपका पासिंग जो होना चाहिए क्या, कि आपने 12th कर रखा हो पहली। ठीक है, दूसरा कि आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो पीसीएम होने चाहिए, सॉरी पीसीबी होने चाहिए या फिर पीसीएमबी। ठीक है, ओके, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपका 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में। ठीक है, पीसीबी में कितना, 45% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर ऐसा है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी किस प्रकार से की जाए, कौन से किताब इसके लिए आपके प्रमुख होंगे, तो बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे किसी चीज के लिए रूल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मानते हैं, वैसे ही आपके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एनसीईआरटी। ठीक है, आपके लिए वो आपका लॉ बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं 11th और 12th के, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, आपका जो अपना पीसीबी का जो सिलेबस होगा क्लास 11th और 12th का, अगर आप उसे कवर कर जाते हैं तो इजीली यहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, आप अरिहंत को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसके गाइड के लिए, बुकलेट के लिए आप अरिहंत को ऑप्ट कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन को। ठीक है, वहां से आपको इजीली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, बट आपको स्टिक करके रखना है हमेशा एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हर एस्पेक्ट से अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक आपको अदर से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहले आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद अरिहंत या फिर अदर्स गाइड बुक जो आप भी लेना चाहें उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप ये सारी जानकारी जान चुके हैं। आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक छोटा सा डाउट होगा। ठीक है,
वो आप इजिली यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि चलिए तैयारी करने के लिए तो पर्याप्त समय है। मान लीजिए मई मंथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन होगा, इन मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि लगभग बात की जाए तो आपके पास अभी से 10 महीने हैं, ठीक है। तो इन समय में आपको क्या करना है, आपको चाहिए डिटेल जानकारी अच्छे से पूरी की पूरी प्रिसाइज हर सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, तो हमारे पास पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस न्यू बैच विच यू कैन ऑप्ट एट दिस डिस्काउंटेड प्राइस। जी हाँ बिल्कुल, 299 के डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है। अभी अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो जस्ट 299 में आप पूरे साल का, यानी कि अगले एग्जामिनेशन तक, यानी इन मंथ ऑफ जुलाई जो एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जामिनेशन तक के लिए मात्र 299 में आप पूरी की पूरी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू वहां क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करना सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी विथ रितेश को इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आपको करना है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने आप को वहां करना है रजिस्टर, ठीक है। वहां पे आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेकंड में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, वहां पे डालना है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इन सारी चीजों से आप वहां पे अपने आप को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, वहां पे आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऐप के थ्रू भी ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कि जो बैच होगा उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स की, और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियसर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ अवेलेबल हो रही है ये डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑफ कोर्स ये डिस्काउंटेड प्राइस लास्ट करेगी बस कुछ समय तक, यानी ये ऑफर जस्ट इज फॉर यू कैन से इट्स जस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो डोंट वेट, जस्ट ऑफ फॉर दिस। आई होप कि सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए थी आपको यहां प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इससे चैनल से बने रह सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी अपडेट और किसी भी क्लासेस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सो डू वन थिंग, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने मित्रों तक शेयर करें और उन तक ये जानकारी पहुंचाएं जिनकी जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।